इस वर्ष का आखिरी महीना दिसंबर 2022 बहुत ही स्पेशल है। आखिर इसमें ऐसा क्या है खास जो बाकी के मंथ में नहीं है? चलिए आपको मैं यहां पर कुछ दिखाना चाहती हूं। 1 दिसंबर 2022, जिसमें मूलांक बनता है 1 और भाग्यांक भी बनता है 1। आगे देखते हैं 6 दिसंबर 2022, इसका भी मूलांक है 6 और भाग्यांक है 6। 12 दिसंबर 2022, मूलांक है 3, भाग्यांक भी है 3। 18 दिसंबर 2022, मूलांक है 9, भाग्यांक भी 9 ही है। आगे देखते हैं 24 दिसंबर 2022, मूलांक है 6, भाग्यांक भी 6 ही है। 29 दिसंबर 2022, मूलांक है 2, भाग्यांक भी 2 ही है। 31 दिसंबर 2022, मूलांक है 4, भाग्यांक भी 4 ही है। अब तो आप भली भांति समझ गए होंगे और देखकर चौंक भी गए होंगे। जी हाँ, आने वाला दिसंबर 2022 का महीना बेहद स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि दिसंबर 2022 में किसी भी दिन जन्म लेने वाले बच्चे बेहद भाग्यशाली साबित होंगे, क्योंकि यहां पर कोई एक दिन स्पेशल नहीं है, पूरा का पूरा मंथ ही स्पेशल है। ऐसा पहले भी हो चुका है इसी साल 2022 में। आपको याद होगा मार्च 2022 का महीना, जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। इस साल 2022 में मार्च और दिसंबर में जन्मे बच्चे लकी साबित रहेंगे, क्योंकि इनके मूलांक और भाग्यांक सेम नंबर के होंगे, और जिनके मूलांक और भाग्यांक सेम नंबर पर होते हैं वो डबल लकी माने जाते हैं, बेहद भाग्यशाली माने जाते हैं। मार्च का महीना 3 के अंक पर आता है और दिसंबर का महीना भी 3 के अंक पर ही आता है, इसीलिए 2022 में मार्च और दिसंबर के महीने में जन्मे बच्चे बेहद भाग्यशाली साबित होने वाले हैं। इस अद्भुत संयोग में जन्म लेने वाले बच्चे दोहरे भाग्य के धनी होंगे। हम सभी भलीभांति जानते हैं कि मूलांक हमारे व्यक्तित्व को और भाग्यांक हमारी डेस्टिनी को दर्शाता है। मूलांक हमारी पर्सनैलिटी को दर्शाता है और भाग्यांक हमारी डेस्टिनी को दर्शाता है। अगर मूलांक और भाग्यांक दोनों ही सेम नंबर के हो जाएंगे तो हमें हमारी लाइफ के चैप्टर को समझने में आसानी होगी, तो हमें हमारे लाइफ पाथ को अचीव करने में आसानी रहेगी। हमारे नेचर के अकॉर्डिंग ही हमारा कर्म पथ निर्धारित होगा, जिस कारण बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, लक्ष्य निर्धारण में आसानी रहेगी, बेहतर उपलब्धियां प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे लोगों को अवसरों का लाभ भी बेहतर मिलता है। यहां मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहूंगी, जिन बच्चों के मूलांक और भाग्यांक सेम अंकों पर होते हैं उनकी सभी लोगों के साथ बनती है, सभी के साथ इनकी अच्छी जमती है, किसी भी मूलांक वाले व्यक्ति के साथ लाइफ में ये आगे चलकर पार्टनरशिप कर सकते हैं, अच्छी अंडरस्टैंडिंग मेंटेन कर सकते हैं। इनके लिए कोई स्पेशल अंक या ग्रुप नहीं बना हुआ है। आजकल एक ही संतान को जन्म देने का प्रचलन कुछ ज्यादा ही चल रहा है। साइंटिफिक तरीके से पहले ही दिन समय सब कुछ निर्धारित कर लिया जाता है और उस समय पर ऑपरेशन द्वारा बच्चा पैदा करने का चलन बहुत ही ज्यादा प्रचलित हो रहा है। आप अपने कंफर्ट के मुताबिक डेट और समय चुनते हैं और चाहते हैं कि आपका बच्चा भाग्यशाली बने, लेकिन मेरा मानना है कि प्राकृतिक रूप से जो बच्चे जन्म लेते हैं वही शाश्वत सत्य है। मैं यहां पर नॉर्मल डिलीवरी की बात कर रही हूं। हाँ, विपरीत परिस्थितियों में ऑपरेशन द्वारा बच्चे का जन्म भी माननीय है, लेकिन आप अगर अपने निर्धारित समय पर अपनी तिथि पर ऑपरेशन करवाकर बच्चे का जन्म करवा रहे हैं तो ये ईश्वर के कार्य में पूर्ण रूप से हस्तक्षेप है। जरूरी नहीं है कि ऐसा बच्चा आपके लिए भाग्यशाली ही साबित हो या वो अपने लिए ही भाग्यशाली साबित हो, क्योंकि प्रत्येक बच्चे का जन्म उसके अपने पूर्व कर्मों पर ही आधारित होता है और आप उससे उस बच्चे को बचा नहीं सकते। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का स्वयं भोक्ता होता है, सिर्फ और सिर्फ अपने सत्कर्मों के द्वारा ही वो अपने कर्म फल में परिवर्तन कर सकता है। ईश्वर उसे जिस घड़ी, जिस दिन, जिस नक्षत्र में पैदा कर रहा है वही शाश्वत सत्य है उसके लिए, उसी के अनुसार ही उसका स्वभाव और उसकी डेस्टिनी रहेगी। आपके द्वारा दिए गए समय पर ऑपरेशन करवा के बच्चा पैदा करने से आप उसकी डेस्टिनी या उसके व्यक्तित्व को बदल नहीं सकते हैं। आप प्रकृति को अपना गुलाम नहीं बना सकते हैं, आप ग्रह नक्षत्रों को अपने तरीके से नहीं चला सकते हैं,
या तो आप साइंटिफिक रहिए या फिर अगर आप ग्रह नक्षत्रों को मानते हैं तो आपको उन्हीं के अनुसार चलना होगा और उनको मानना भी होगा। हमारा जन्म और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है। जन्म और मृत्यु का समय प्रकृति द्वारा निर्धारित है। आप उस कार्य में हस्तक्षेप करके प्रकृति के कार्य में हस्तक्षेप ना ही करें तभी मानव जाति का कल्याण होगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कर्मों से ही अपने भाग्य का निर्माण करता है। हर व्यक्ति अपना भाग्य विधाता स्वयं है। इस तरह से ऑपरेट करवाकर, बच्चे का जन्म करवाकर आप कहीं उसके भाग्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे, जरा सोचिएगा। वैसे तो मनुष्य जन्म होना ही अपने आप में भाग्यशाली होना है। आने वाले दिसंबर 2022 में जन्म लेने वाले बच्चों को आर्मी की ओर से बेहद शुभकामनाएं। ईश्वर उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छे सत्कर्म पर चलने का रास्ता दिखाए। इस वीडियो को लेकर अगर आप अपने कुछ विचार रखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कितना कनेक्ट हो पाए हैं मेरी इस वीडियो के साथ कमेंट करके मुझे जरूर लिखिएगा। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आरुमी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।